हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं मेरे किचन से आप लोगों के लिए पेड़े की रेसिपी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में घी गरम करके शुद्ध प्योर घी को मैंने लिया है। उसके बाद जब घी गरम हो गई है तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के लगभग यहाँ पे कोकोनट पाउडर को ऐड किया है, क्योंकि कोकोनट पाउडर रहेंगे मेन रूप से। ये कोकोनट पाउडर और मिल्क से, दूध से बनने वाली एक पेड़े है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुंह में घुलने वाली, बिल्कुल सॉफ्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर खाने के लिए। 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया और यहाँ पे 1 गिलास पानी लेकर के उसमें 1 कटोरी चीनी मैंने डाल करके उसे अच्छे से चाशनी की टाइप से मैंने बना दिए हैं। कोई कड़क चाशनी नहीं मैंने बनाया, उसे बना करके उसी में मैंने मिक्स कर दिया। इसे काफ़ी टाइम तक, इसे भुनने के बाद 1 कटोरी मैंने मिल्क लिया है। ताज़ी जो दूध रहती है वो आप फुल क्रीम भी ले सकते हैं, उसको लेकर के इसमें डाला है। लगभग लगभग आधे घंटे लगे हैं, क्योंकि ये दूध है और पानी है और अच्छे से पक गए, खोए जैसे बन गए एकदम। बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे होगे, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, एकदम बिल्कुल रबरी टाइप से ये लग रहे हैं। इसके साथ मैंने इसमें ना फूड कलर थोड़ा सा मिक्स किया है, जहाँ पे सबसे पहले ग्रीन, क्योंकि जितने भी क्वांटिटी थे उसको सबको 3 पार्ट में करके फिर उसके बाद ग्रीन, ऑरेंज और वाइट, उसको नॉर्मल जो थे मटेरियल उसको मैंने रहने दिया यहाँ पे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि गर्म थी और काफ़ी ये लिक्विड फॉर्म में थी, क्योंकि इसे हम अलग तरीके से इसे पेड़े की का रूप देंगे, तो इसलिए ऐसे करके मिला के रखा। फिर यहाँ पे आपके पास पेपर रहते हैं, आप वो पेपर, बटर पेपर आते हैं, आप उसमें लेकर के इसे अच्छे से फैला दीजिए। और तीनों को मैंने अलग अलग करके इसे फैला दिया है, ताकि ठीक है ये एक लेयर जैसी हो जाएगी। और इसको सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसके करने के बाद हम इसे फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में कुछ टाइम रखने के बाद इस तरह से अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद ऐसे देखिए, जैसे ये मैंने ग्रीन वाली निकाली है, इसको ऐसे रख करके फिर एक के एक ऊपर हम लोग इसको रख देंगे, पहले ग्रीन, फिर वाइट वाली और फिर ऑरेंज की। ये तीनों को रखने के बाद थोड़े थोड़े करके फिर तो उसमें से इस तरह से हाथ से मैंने कर दिया है, और इसको गोल करके पेड़े का रूप दिया इसे। और फिर मैंने कोकोनट पाउडर लेकर के उसमें उसके कोटिंग कर दी है, ताकि उसके ऊपर अच्छे लगे देखने में। और फिर इसको पूरे जितने हैं उतने सारे आपको करके के करके आप इसे रख करके आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए। फ्रेंड बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में, आप लोग जरूर इसे ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग भी इंडिपेंडेंस डे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। हर एक साल इंडिपेंडेंस डे आती है, हम इसे धूमधाम से मनानी चाहिए। जय हिंद फ्रेंड। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुझसे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।